देखिए, एक अच्छा सातवीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है 10.3 और प्रश्न संख्या है 2। 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये लाइन में दिया है क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या 1 में यहाँ पे बोल रहा 1200 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा 90 रुपये लाभ। यहाँ पे हानि या लाभ है, तो 90 रुपये लाभ हो रहा है, 1200 रुपये में 90 रुपये लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना है, तो 1200 रुपये में 90 रुपये जब लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 1200 को 90 में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1290। कितना हो जाएगा, 1290 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत में दिया है, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है 90 रुपये का, तो इसको क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ लाभ बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य है ना, गुने 100। ये होता है सूत्र, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का ये होता है सूत्र, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, लाभ दिया है कितना, 90 रुपये। यहाँ पे 90 रुपये का लाभ दिया है, तो यहाँ पे लाभ की जगह पे लिख लेंगे 90 बट्टे में क्रय मूल्य। इसका दिया है 1200 रुपये, तो लिख लेंगे 90 बट्टे में 1200, फिर गुने 100। ठीक है, अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, बचा 90 बट्टे 12। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे, तो 2 से कटा देंगे, 2 छक्का 12, ये हो गया 45। 2 से भाग देंगे 90 में, तो ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो 45 को 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 6। अब 6 से हम भाग करेंगे, 6 से 45 में भाग करेंगे, तो हो जाएगा 6 सते 42, 5 में 2 गया 3, 4 4 कट गया, तो 7.3/6 इसका लाभ प्रतिशत निकल कर आया, 7.3/6। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 2 में दिया है 500 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि या लाभ में दिया है 25 रुपये लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना है, तो 500 रुपये क्रय मूल्य है और लाभ हो रहा है 500 रुपये में, कितने का, 25 रुपये का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 को 25 में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 525, 525 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है 25 रुपये का, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो लाभ इसका दिया है कितना, 25 रुपये लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 बट्टे में, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेंगे 500 गुने 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया है ना, 25/5 दिया है, तो 5 से भाग दे देंगे 25 में, तो 5 5 25, यानी कि इसका लाभ प्रतिशत निकल कर आया 5%, तो इसका हो गया लाभ प्रतिशत 5। ठीक है, अब देखिए, 3 में यहाँ पे दिया है 630 रुपये क्रय मूल्य है, 630 रुपये, और यहाँ पे हानि या लाभ दिया है 70 रुपये, 70 रुपये हानि हो रहा है इसको, तो 630 रुपये में कितने रुपए का हानि हो रहा है, 70 रुपये का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना है, तो 630 में, 630 में हम क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे, तो 0 के 0, 13 में 7 के 6, ये हो गया 5, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो गया 560 रुपये। ठीक है, अब देखिए, इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है कितने का, 70 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, हानि हो रहा है कितने का, 70 रुपये का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 70 बट्टे में, इसका क्रय मूल्य कितना दिया है, 630 रुपये, तो 630 गुने हो जाएगा 100। ठीक है,
अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा 70/63 गुने 10। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, 7 से कटा देंगे तो कट जाएगा 7 9 63, और ये हो गया 7 10 में 70। ठीक है, अब 10 को 10 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, बटे में ये 9 हो जाएगा, तो 9 से 100 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 9 से 100 में भाग करेंगे तो 9 एकम हो जाएगा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 0 यहाँ पे आ गया, तो फिर 9 एकम 9, तो 10 में से 9 गया 1, 11.1/9। तो इसका हानि प्रतिशत आया कितना, 11.1/9, ये आया इसका हानि प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 में दिया है, क्रय मूल्य है 400 रुपये, और यहाँ पे 40 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, तो 400 रुपये में हम क्या करेंगे, 400 में 40 घटा देंगे, हानि हो रहा है 40 रुपये का, इसलिए घटा देंगे। तो 0 के 0, 0 में 4 गया 6, यानी कि 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 3, 360 रुपये। इसका विक्रय मूल्य आया कितना, 360 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे 40 रुपये का हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख ले रहे हैं हानि प्रतिशत, तो 40 रुपये का हानि हो रहा है, तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, तो 40/, ठीक है, कितना है क्रय मूल्य, 400 रुपये, तो ये हो गया 400 × 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, बचा 40/4, तक ये भी कट गया, 4 एकम 4, ये हो गया 4 दहम में 40। तो 10 को 1 में गुना करेंगे तो 10 1 को भाग दे देंगे 10 में, तो आएगा 10, इसका आया 10%, तो इसका हानि प्रतिशत आया कितना, 10% बन गया है।